आराम से। ओ शिट, ये फोन से लगी है। यहाँ पर फोन की हालत आप देखें, पूरी तरह ये ब्लास्ट हो चुका है। दोस्तों अभी मुझे एक फोन आया है जहाँ पर हमारे एक परिचित हैं, ऑटो चलाते हैं, उनका फोन एक्सप्लोड हो गया है ओप्पो का। तो अभी चल के देखते हैं कि क्या स्थिति है, भगवान करे कि उनको ज्यादा ना लगी हो। अच्छा, उनके भैया की चोट लग गई थी ना। आराम से। ओ शिट, बस बस रुक जा। ओ शिट, ये फोन से लगी है। शिट। दोस्तों ये है ओप्पो A53 और ये है इसका बिल। बिल की हम कॉपी वगैरह भी डाल देंगे। यहाँ पर फोन की हालत आप देखें, पूरी तरह ये ब्लास्ट हो चुका है, बहुत ही बुरी हालत लग रही है। और यहाँ पे भाई को आप देखें, इनके तो बहुत ज़्यादा ही चोट लगी हुई है। अच्छा जीतू भाई, एक बात बताओ कि आप फोन के साथ, ये ओप्पो A53 का बॉक्स है, ये बॉक्स है, आप एक बात बताइए कि ये फोन आपने लिया था 2020 छह सात महीने हो गए ना। नौ महीने हो गए। अभी अंडर वारंटी भी है, तो ये अभी अंडर वारंटी भी है ना। मुझे एक बात बताओ, आप चार्जर कौन सा यूज कर रहे थे? इसी का चार्जर है। और आप ऐसे, आपने कौन सी जेब में रखा था पीछे? ये फ्रेंड था। ठीक है, पॉकेट भी, इसकी पॉकेट भी जल गई। क्लोज से दिखाओ तो फ्रंट की जेब में भी है, ऐसा भी नहीं है इन्होंने अपनी, मेरा रुमाल भी रखा हुआ था और ये रुमाल भी जल गया। शिट, एक्सेसिव प्रेशर भी है। ये जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, आप थोड़ा तेज बोलेंगे तो, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, नाइट में गाड़ी चलाता हूँ, मॉर्निंग के टाइम वापसी आ रहा था घर पे जी। तो उसी टाइम ये फोन अचानक से हीटिंग हुआ और इसमें से धुआं निकलना चालू हुआ, तो मैंने फोन निकालने की कोशिश करी, निकालते समय फोन में एकदम से ब्लास्ट हुआ इसका ऊपर से जी। और ये हाथ पे भी मेरे काफी मतलब चिपक गया था, इसका कपड़ा था और ये पॉकेट पूरी फट गई थी ऊपर से, रुमाल भी मेरा फट गया था, बाकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, गाड़ी भी मेरी पलट गई, मैं गाड़ी के नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद ये पूरा, ये सूजन हो रही है, ये पूरा जल चुका हूँ मैं। ठीक है, और ये यहाँ से फ्रैक्चर बताया गया, अभी एक्सरा करवाऊंगा क्योंकि एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट क्या, वो मेरा ऑटो पलट गया। हाँ, वो ब्लास्ट हुआ है तो अभी क्या, तो पलट गया वो। और इसका मतलब कुछ एक्सेसिव प्रेशर भी नहीं था, ऐसा नहीं पीछे की जेब में कोई प्रेशर नहीं था कोई, मैं ज्यादा यूज नहीं करता फोन को, मैं सिर्फ कॉलिंग आने के लिए नाइट में है ना, जैसे कॉलिंग वगैरह के लिए ही ज्यादा यूज करता हूँ, कभी कभार जब फ्री होता हूँ तभी थोड़ा बहुत चलाता हूँ जी, बाकी कोई फोन में ज्यादा प्रेशर नहीं था मेरे फोन में, कुछ भी नहीं। ओके, जब सुबह चोट लगी तो आपने कुछ पुलिस की FIR वगैरह भी करवाई? नहीं, पुलिस की FIR क्या, सिविल वाले आए हुए तो उन्होंने कहा कि पुलिस से कुछ नहीं होगा, आपकी वीडियो बना ली गई है, हम वीडियो खुद डाल देंगे, आपके पास न्यूज वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आप अपनी पट्टी वट्टी कराओ जाकर के, पहले इलाज कराओ उसके बाद आगे देखते हैं। सही बात है। तो फिर मैं, मेरे को कोई लेके गया था, मेरे को भी इतना होश नहीं था, मेरे को लेके गया तो ये आपका सादरे के अंदर कोई मतलब पहलवान जी है उनका, वहाँ से ये पट्टी वगैरह उन्होंने करवाई है। ठीक है, तो वो करवा के फिर मेरे को कल से घर पर छोड़ोगे, कल से फिर मैं घर से निकला भी नहीं हूँ बाहर। ये कहाँ पे हुआ था सर? ये मेरे साथ में बुराड़ी बाईपास पे हुआ था। अच्छा अच्छा, एक मुझे एक बात बताइए, अभी तुषार बता रहा था कि आप ऑटो नहीं चलाते थे, राखी वाखी काम करते थे? नहीं, वो तो मेरा अलग काम था, मैंने जब से बैच वगैरह बना हुआ है मेरा, ऑटो, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा, ठीक है, जब से मैं, अब काम वाम तो कुछ है नहीं, तो मैंने ऑटो किसी में तो इसलिए फिर अपना कुछ घर चलाने के लिए मैंने अपना ऑटो का काम करा, बाकी मेरा बैच भी है, लाइसेंस भी है, कोई मैं मतलब लोकल वाला आदमी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं बस स्थिति के बारे के कारण पूछ रहा था, इसी के बाद ही मतलब ऑटो का काम चालू किया था मैंने अपना। ठीक है, पहले से भी मैं गाड़ी ड्राइव करता था, पहले भी काफी टाइम पहले, जब इतना बैच लाइसेंस नहीं था, बनवाने के बाद में मैं नाइट में ड्राइव करने लग गया। तो दोस्तों आपने देख सुना, जीतू भाई का जो ये फोन फट गया और बहुत ही समस्या में, मैं देख रहा हूँ कि फोन जेन्युइनली फटा हुआ है और जेन्युइन इसका बिल है और जेन्युइन चार्जर है, आगे की जेब में था, ऐसा भी नहीं है कुछ पीछे की जेब में कुछ ऐसा किया हो, और नॉर्मल ये बात करते थे, स्पेशली कुछ ज्यादा यूज भी नहीं करते थे, तो सब चीजें बिल्कुल जेन्युइन लग रही हैं। आप लोगों से सभी से निवेदन है कि ओप्पो इंडिया को टैग करें, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मैं अभी इनकी कर दूंगा, जिससे कि जो भी इनका कंपेंसेशन है, जो भी मदद है, वो पूरी हो सके। जीतू भाई, जितना मैं योग्य हूँ पूरी आपकी मदद करूँगा, चिंता मत कीजिए आप।
हमारे देखने वाले बहुत प्यारे हैं और आपकी बातें पहुंचा देंगे, भगवान करे आपकी मदद होगी, ज़रूर होगी। तो दोस्तों आप टैग करें ओप्पो इंडिया को, और फोन वन आप देख रहे हैं तो इनका तो जेन्युइन ही फट गया है, लेकिन आप भी कोई बाहर का चार्जर या हीट वगैरह में ना रखें, खुद को सुरक्षित रखें। तो एक तो मैं माफ़ी चाहूँगा ओप्पो जीतू भाई किसकी तरफ से बोलूँ, लेकिन तो तुषार आप इनके ये प्रॉपर से फोटो वोटो ले लो, क्योंकि ये हमें उसमें डालने पड़ेंगे। इनका जो साइड बिजनेस था वो है राखी का, इनके फोन के अंदर एप्लीकेशन भी ऐसी क्या होगी जो ओवरलोड नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। प्रॉपर इस फोन के प्रॉपर करके ये फोटो ले लो आप अच्छे से। देखो ये इसकी ना जो लोहे की बॉडी भी है वो भी टूटी हुई है, आप पलट के देखो लोहे को अलग हो गया हाँ पूरा टूट गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भाई की ये पैंट, कल सुबह की बात है, रुमाल भी है, और बेचारे का ऑटो एक्सीडेंट भी हो गया, वो गिर गया पलट गया, यहाँ पर आप रुमाल भी देख रहे हैं। तो काफ़ी भयानक ब्लास्ट हुआ है, फोन का पूरी बुरी हालत हो गई है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जल्दी ठीक भी हो जाओगे, मेरी आपसे मेरे भगवान से दुआ है। अभी इसमें कितना खर्चा आ गया आपका चूट चाट में? अब काम तो जन कौन लोग और भी कर रहे हैं घर में काम? नहीं कोई नहीं, मैं आप खुद ही करते हो? देखिए आप देख रहे हैं बहुत बुरी स्थिति है, तो ऐसे में इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। आपसे ओप्पो वाले क्रॉस चेक करेंगे कि एक्चुअल है ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बिल बिल को आप संभाल के रखना, जिसको भी दो फोटो कॉपी दो, ये किसी को मत देना होगा, ठीक है। ठीक है सर, आप एक काम करो, ये तो भाई के नाते है, भगवान आपस में मिल के थोड़ा बहुत करें, ये मेरी तरफ से आप छोटा सा प्रेम रख लीजिए। ये 5,000 रुपये आपको जोर जरूरत पड़े तो बताना मुझे, ठीक है, ये आप रख लीजिए, ठीक है। ये तो बस भाई के नाते, वो आप देख लीजिएगा, आप पट्टी वट्टी करा लीजिएगा अपनी, ठीक है। तो सर इनका कंप्लेन कर देते हैं कंज्यूमर कोर्ट पे, एक FIR आप ऑनलाइन करवा देना, और वो तो एक फॉर्मेलिटी चाहिएगी, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट और ओप्पो दोनों को टैग करके उनको मैं मेल कर दूंगा, और वहाँ तक पहुँच जाएगा, हो जाएगा इनका, ठीक है जी। तो भाई ध्यान रखो अपना, मैं फिर से आऊँगा आपके हेल्प के लिए और आपकी पूछताछ के लिए, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू।